जोरदार ताली बजा दे बेटा। आज आप लोग को थोड़ा सा परिचय करवाएंगे। चारों भाई की आज भर्ती थी और चारों भाई ने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है। किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है और किस तरह दौड़ना है आज आपको चारों भाई बताएंगे। तो एक बार जोरदार ताली बजा बेटा। दोस्तों ये है 60 नंबर की रनिंग, एक बार देख लो, तारा दिखाई दे रहा जी जी। और बेटा ये देख लीजिए आप एक बार, ये 10 बीम तो टोटल 100 नंबर का फिजिकल है। और ये इसका नंबर है साथियों, और ये इसका दोस्तों आप देख रहे हो चेस्ट है, बाद में बात करेंगे। तो अरे मतलब बताना पड़ता भाई साहब। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताली बजा बेटा। बंदा ताली नहीं बजाएगा वो 48 का फिजिकल मारेगा, और सुनिए जो बंदा दिल से ताली बजाएगा उसका 100 नंबर का फिजिकल रहेगा। मेरा नाम गौरी शंकर चौधरी, मैं एमपी के खंडवा जिले का रहने वाला हूँ। आज मेरी रैली भर्ती थी धार में, जिसमें मैंने सुपर एक्सीलेंस मारा। सभी का आशीर्वाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आप 48 की रनिंग मारेंगे। क्या बोलना चाहिए इनको? सर जी आपको हमेशा बताते हैं कि जिस बंदे ने मेहनत करी है वो फिजिकल के लिए करेगा, और आप जितना सर जी पर बता रहे, आपको जितना वर्कआउट करवा रहे हैं उतना आप कर लोगे तो 100% फिजिकल क्लियर करोगे। बहुत बहुत मैं उन भाइयों को विशेष कहना चाहूंगा कि जो एक राउंड दौड़ते दो राउंड दौड़ते उधर रुक जाएंगे इधर रुक जाएंगे, तो आपकी पैर पर आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो सर जी करवा बस उतना करो, उससे ज्यादा कुछ भी मत करो। आप जितना सर करवा बस उतना कर लो, 100% आपका फिजिकल 100 नंबर का रहेगा। कहाँ के रहने वाले आप? मध्य प्रदेश ये है, मध्य प्रदेश एमपी के रहने वाले हैं। ये तो एमपी जिला है और रहने वाला खंडवा का है। जिला खंडवा का ये खंडवा जिले के रहने वाले हैं। एरा सर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सब दिल से मेहनत करो। आप भी एक दिन यहाँ पर खड़े रहोगे, मैं भी कभी वहाँ पर खड़ा रहता था और ताली बजाता था। आप भी किसी दिन यहाँ पर खड़े रहोगे और ये सब ताली बजाएंगे, और आप 60 नंबर का या फिर 48 नंबर का भी फिजिकल मारते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल से मेहनत कीजिए और सर जी के आशीर्वाद से आप सब फौजी बनोगे। किसी भाई का कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप नहीं संकोच पूछ सकते। घबराहट उसी बंदे को होती है जो बंदा मेहनत करके जाता है। जो जिस इंसान को घबराहट नहीं होती है, किसको नहीं होती है? जो बेटे इंसान मतलब जिसे तैयारी नहीं करी, बोला जाना और आना, देख के आना भर्ती कैसी होती, देख के आना। वो घबराहट वाला क्या करके आना है। ये छोटू मध्य प्रदेश के एमपी के रहने वाले हैं, ये धार के रहने वाले हैं। ये आपको बताएंगे कि 1600 मीटर के 4 चक्कर कैसे मारे। जैन साथियों, मेरा नाम रिया जोड़िया, मैं डिस्ट्रिक्ट रियल। ये वाकई में रियल है। ये माला पहनान दो। ये भी आप दो। जो इंटरव्यू अच्छा देगा उसको माला, पूरी माला उसको पहनाएंगे अपन। चलो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। माला आपको जरूरत थी। चलो जैन साथियों, वाकई में मेरा नाम रिया जोड़िया, मैं डिस्ट्रिक्ट धार से हूँ। रिया रिया मतलब लड़की, लड़का रिया का नाम लड़की। वो रिया सुशांत वाले कैसा मस्ती थी ना। रिया वही तो नहीं है। 100 नंबर का मैंने फिजिकल क्लियर किया है और 150 मीटर की लीड मारी है मैंने। ताली बजा। मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी आए और आप भी अपना सपना हासिल कर सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी में, खोजी फैक्ट्री में।
नहीं आप ये तो बढ़िया अच्छा बताया आपने, बहुत जरूरी था। चार चक्कर के सामान ना बताओ, पहला माला निकाले वजन लग रहा क्या? बोला नहीं माला मत निकाल दोस्त है मेरा वो स्टार्ट। सबसे पहले आपको बिठाएंगे, मतलब नंबर वार से बिठाएंगे आपको, सबसे आगे वाले लाइन इधर से मतलब बिठाएंगे आपको ऐसे, फिर पीछे से उठाएंगे और ट्रैक पे ले जाएंगे आपको, ट्रैक पे लाइन से बिठाएंगे। और आपने घबराना वगैरह ये नहीं करना, आपने को घबराहट वगैरह आती ना, दर्द घुसते ऐसा मतलब घबराहट वगैरह कुछ ऐसा महसूस कर तो मतलब कंट्रोल करके रखो। और सबसे ध्यान ये जो कि फौजी भाई अपने को गो करके बाइक से नहीं बोलेंगे, मुंह से अपने को बोलेंगे, तो अपने को मतलब फौजी भाई ऐसे साइड में खड़े रहेंगे उनकी तरफ देखना, वो मतलब घड़ी है ना वो मोबाइल या देख के मतलब टाइम देख के बताएंगे वो कि मतलब। फिर अपने को जैसे गो बोला ऐसे को सारे बंदे मतलब रनिंग करके नहीं आते, वो एक राउंड लगाते स्पीड से लगाएंगे, वो वैसे लगाएंगे कि मतलब आप धावक से भी ज़्यादा स्पीड मतलब खींचेंगे वो, तो सही बोल रहा हूँ। तो उनके चक्कर में मतलब अपना ना अपन ज़्यादा उनके वो गिराने की कोशिश करेंगे, इधर कम आएंगे मतलब अपने को 300 मीटर तक अपने को बस के रहना, उसके बाद तो वो सारे अंदर घुस जाएंगे। फिर अपने को ऐसे खींचना मतलब धीरे धीरे धीरे, तो सर बताया था कभी भाई ने आया था एक बार बताया था, मतलब इसी हिसाब से मैंने किया 50 को काटा 20 को काटा 10 को काटा। फिर मैंने दो तीन तीसरे राउंड में मेरे से पांच जने आगे थे उनके मतलब पीछे मैं कदम से कदम चला गया। फिर लास्ट के राउंड में 200 मीटर बचा था, फिर मैंने ऐसा खींचा फौजी भाई भी देखते रह गए। बहुत मारेंगे लोग कहीं नहीं, सब चलता है क्लियर हो गया, कहीं मिला बेटा ये किससे मिला, ये दर्द हो रहा है क्या नहीं सर कटा हुआ चल गया था, ये तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सर, किचन क्या कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरा वो चल जाएगा ना, क्योंकि इसमें तीन लेयर रहती है, तीन से चार लेयर रहती है कि अंदर वाली लेयर एक्टिव है कि नहीं, है ना, डीएक्टिवेट हो गई तो खत्म हो जाएगा, एक्टिव है तो चल जाएगा, जलन बढ़ रही क्या कुछ नहीं होता, अरे यार बुखार हो रहा होगा ना, नहीं नहीं दर्द हो रहा है, अरे कुछ तो स्पर्श लग रहा है, हाँ तो वही तो बोल रहा हो जाएगा ना। चलो बढ़िया बताया भैया ने, रियल बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बताया उसने, कदम से कदम मिलाते रहो और उसको पता मत चले तो कब क्या क्लियर कर दिया, ठीक है ना, यस सर, लव यू सर, चलो तारा शेयर करो।